best of me now, best of me. नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल पर। आज की इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो होने वाली है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा एंड टोयोटा अर्बन क्रूजर के बारे में। टोयोटा ने एक नई एंट्री कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में उतारी है अर्बन क्रूजर के नाम से। हालांकि ये रीबैज वर्जन है सुजुकी विटारा ब्रेजा का, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि टोयोटा ने काफी ज्यादा स्मार्टली प्ले किया है। इस बार वो ग्लांजर बलिनो वाला केस नहीं हुआ है। इस बार टोयोटा अर्बन क्रूजर कुछ ऐसे पॉइंट्स के साथ आई है जो कि आप लोगों को कंसिडर करने चाहिए विटारा ब्रेजा लेने से पहले। तो टोयोटा ने क्या अर्बन क्रूजर में ऐसे पॉइंट्स यूज किए हैं, क्या फीचर्स एज वेल एज जो लुक्स के मामले में जो चेंज किया है, तो क्या मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा को अब लोग पसंद करेंगे या फिर नहीं, या फिर आप इन दोनों ही कार्स में से कंफ्यूज हैं कौन सी कार ज्यादा बेहतर रहने वाली है, तो वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ बताऊंगा कि क्या टोयोटा अर्बन क्रूजर पे ज्यादा पैसा खर्च करना वर्थ है, या फिर जो एक्सपेंसिव साइड पर टोयोटा ने अर्बन क्रूजर को रखा है क्या वो सही है या फिर गलत है। सारे ही पॉइंट्स को मैं सारे ही फीचर्स, एडिशनल फीचर जो कि इन दोनों ही कार्स को अलग करती है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं भी या नहीं जो कि इन दोनों ही कार्स को अलग करती है, वो सब मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही जरूर लाइक कर देना क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगी है। साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी ऐसी ऑटोमोटिव से रिलेटेड वीडियो मिस ना कर दे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बात कर लेते हैं दोनों कार्स के वेरिएंट्स एज वेल एज प्राइसेस से। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का हमने VXI वेरिएंट लिया है जो कि 9.37 लाख रुपीज कॉस्ट करता है ऑन रोड प्राइस विद GST इन न्यू दिल्ली। वहीं टोयोटा अर्बन क्रूजर का हमने मिड ग्रेड यानी बेस वेरिएंट लिया है जो कि 9.48 लाख ऑन रोड प्राइजेस की GST के हिसाब से न्यू दिल्ली में देखने मिल जाती है। दोनों ही कार्स में सब आपको 11,000 रुपये का डिफरेंस देखने मिल जाता है। तो क्या ऐसे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं टोयोटा वालों ने अर्बन क्रूजर में, एंड ऐसे कुछ ठोस पॉइंट्स जो कि आप लोगों को टोयोटा अर्बन क्रूजर की तरफ एक तरीके से कंसिडर करवाना चाहेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोनों ही कार्स सेम प्लेटफॉर्म एज वेल एज सेम चेसिस पर बिल्ड हैं, तो दोनों ही कार्स में आपको सेम इंजन देखने मिल जाता है। 1500cc का 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन K15B सीरीज पेट्रोल इंजन जो कि मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा में पहले से आया करता था। बात की जाए इस इंजन की तो 103 bhp की पावर 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ जनरेट करता है 17.03 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज के साथ। एंड इंजन की बात करूं तो इसकी परफॉर्मेंस आपको लीनियर देखने मिल जाएगी। हाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम किक इन पैंट्स वाला फील मिल जाएगा। ड्राइविंग इंथुसियास्ट अगर आप हैं तो आपको इसको ज्यादा चलाने में इतना कोई मजा नहीं आने वाला है। अगर आप एक ड्राइविंग इंथुसियास्ट है तो आप एक टर्बो इंजन की तरफ जा सकते हैं जो कि राइवल्स में मौजूद है। टोयोटा अर्बन क्रूजर वही पुराने पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो कि विटारा ब्रेजा में दिया गया था। दोनों में ही कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि सस्पेंशन से लेकर टायर से लेकर इंजन से लेकर चैसी सब कुछ सेम यूज किया गया है विटारा ब्रेजा एंड अर्बन क्रूजर में। तो इसमें आपको राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी विटारा ब्रेजा जैसे ही देखने मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग मिलने वाले कुछ डायमेंशन एज वेल एज कैपेसिटी से। हालांकि दोनों का बॉडी टाइप एज वेल एज चेसी सेम है तो दोनों में ही आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाती है। लेंथ की बात की जाए, विड्थ की बात की जाए, हाइट की बात की जाए, या फिर व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, सब कुछ आपको सेम देखने मिल जाता है। एंड कर्ब वेट आप लोगों को टोयोटा अर्बन क्रूजर में 1110 kg देखने मिलेगा, वही विटारा ब्रेजा में 1115 kg देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे विटारा ब्रेजा में आपको 5 किलो ज़्यादा वेट देखने मिल जाता है अर्बन क्रूजर के मुकाबले। हालांकि ये थोड़ा सा लुक्स एज वेल एज जो कस्टमाइजेशन की गई है उसके कारण डिफरेंस आ जाता है। अंदर की बात की जाए तो आपको ओवरऑल जो चेंजेस है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों कार्स में मिलने वाली बूट स्पेस के बारे में। तो दोनों कार्स में आपको 328 लीटर की बूट स्पेस एंड 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने मिल जाती है। टायर साइज की बात की जाए तो टोयोटा अर्बन क्रूजर एंड मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा में सेम टायर साइज देखने मिल जाते हैं। वेरिएंट के हिसाब से आपको 205/60R16 16 इंच के स्टील रिम्स विद व्हील कैप ऑफर किए जाते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर एंड विटारा ब्रेजा में। हालांकि इनके हायर स्पेसिफिकेशन मॉडल की तरफ अगर आप जाते हैं तो अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो ये थे कुछ स्पेसिफिकेशन की बात। अब हम बात करने वाले हैं कॉमन फीचर्स की, एंड इसके बाद मैं बताऊंगा एडिशनल फीचर जो कि इन दोनों ही कार्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। चलिए कॉमन फीचर की बात की जाए तो सेफ्टी फीचर के हिसाब से दोनों ही कार्स में डुअल एयरबैग, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग जो कि कीलेस है, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एयर कंडीशनिंग आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मिलती है विथ हीटर, वैनिटी मिरर ऑन सनवाइजर, कैबिन बूट एक्सेस, एंटी ग्लेयर मिरर आपको दोनों ही कार्स में मैनुअल देखने मिल जाता है, रेयर पार्किंग सेंसर्स,
हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, कीलेस पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने मिल जाता है, जो कि टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट एंड सिंगल 12 वोल्ट पावर आउटलेट आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, तो यहां पे आप लोगों को फ्रंट कप होल्डर देखने मिल जाते हैं। एंड विंडोज की बात की जाए तो फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज विद ड्राइवर साइड वन टच ऑपरेटिंग पावर विंडो के साथ देखने मिल जाता है। वहीं दोनों ही कार्स में आप लोगों को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ओवर वीएम देखने मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स एंड रेयर डिफॉगर आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं लाइटिंग सेटअप की, तो दोनों ही कार्स में आप लोगों को एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने मिल जाते हैं एंड टेल लाइट्स भी एलईडी टाइप देखने मिल जाती हैं। वहीं केबिन लैंप आपको सेंटर में देखने मिल जाता है विद हेडलाइट हाइट एडजस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो दोनों ही कार्स में आपको सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिल जाता है, एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्विन ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, शिफ्ट इंडिकेटर, एनालॉग टैकोमीटर, इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन के साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन एमआईडी में दिखा देता है। वहीं अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मेजर पॉइंट की, यानी इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे विटारा ब्रेजा के VXI वेरिएंट में आप लोगों को डुअल डिन इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। वहीं अर्बन क्रूजर में इसका बेस वेरिएंट होने के कारण टोयोटा वालों ने इतनी प्राइसिंग पे भी डुअल डिन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, यानी इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं दिया है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे अर्बन क्रूजर का लगा है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की। तो यहाँ पे आपको विटारा ब्रेजा में 4 स्पीकर देखने मिल जाते हैं एंड ये इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप USB ऑक्स एज वेल एज ब्लूटूथ के साथ पेयर कर सकते हैं। वहीं MP3 प्लेबैक के साथ साथ आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी यहाँ पे विटारा ब्रेजा में देखने मिल जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ ऐसे कुछ एडिशनल फीचर्स की, जो कि अर्बन क्रूजर एंड विटारा ब्रेजा को एक दूसरे से अलग बताते हैं, यानी एडिशनल फीचर्स की। तो यहाँ पे आप लोगों को सेफ्टी फीचर में स्पीड सेंसिंग डोर लॉक यहाँ पे अर्बन क्रूजर में देखने मिल जाता है। वहीं सबसे बड़ा जो चेंज है वो है इंटीरियर्स में। सीट्स एंड अपोल्स्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों को सिंगल टोन ब्लैक इंटीरियर देखने मिल जाता है विटारा ब्रेजा में। वहीं टोयोटा अर्बन क्रूजर में आप लोगों को डुअल टोन यानी ब्लैक एंड डार्क ब्राउन कलर का इंटीरियर देखने मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू विटारा ब्रेजा के ऑल ब्लैक थीम इंटीरियर के हिसाब से। वहीं बात करूं फोल्डिंग सीट की, तो रेयर फोल्डिंग सीट आपको विटारा ब्रेजा में देखने मिल जाती है, जो कि अर्बन क्रूजर में नहीं देखने मिलती। एक्सटीरियर की बात की जाए तो आपको बॉडी किट क्लैडिंग देखने मिल जाती है ब्लैक एंड ग्रे कलर की, जो काफी ज्यादा स्पोर्टी लगती है एंड एक SUV को एक रगड़ फील देती है, जो कि अर्बन क्रूजर में देखने मिलती है, जो कि विटारा ब्रेजा में मिसिंग है। वहीं क्लब बॉक्स में आप लोगों को लैंप देखने मिल जाएगा अर्बन क्रूजर में। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसके एवरेज स्पीड दिखाता है अर्बन क्रूजर में, जो कि विटारा ब्रेजा में मिसिंग है। वहीं अगर मैं बात करूं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो वो आपको यहां पे ब्रेजा में देखने मिल जाता है, जो कि अर्बन क्रूजर में नहीं देखने मिलता। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट यानी मेजर पॉइंट की बात करूं, तो वो होने वाला है मैन्युफैक्चरर वारंटी के बारे में। मैन्युफैक्चरर वारंटी एक ऐसी चीज है जो कि अपने मैन्युफैक्चरर का भरोसा दिखाती है अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे टोयोटा ने 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दी है टोयोटा अर्बन क्रूजर में, जिसमें सेम इंजन यूज किया गया है सुजुकी का K15B, जो कि विटारा ब्रेजा में भी दी गई है। और वहीं मारुति सुजुकी ने ऑल्टो वाली ही वारंटी यहाँ पे दी है 2 ईयर्स 40,000 किलोमीटर की वारंटी, जो कि ऑल्टो में बरसों से देते आए हुए हैं। एंड विटारा ब्रेजा जो कि अच्छी खासी एक्सपेंसिव साइड की कार है, उसमें भी सिर्फ 40,000 किलोमीटर की ही वारंटी दी है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है अर्बन क्रूजर का मैन्युफैक्चरर वारंटी के ऊपर, चाहे कितने ही फीचर्स विटारा ब्रेजा में एडिशनल दिए हों। चलिए ये थी सारी स्पेसिफिकेशन फीचर्स की बात। अब मैं बात करने वाला हूँ कंक्लूजन की, तो क्या अर्बन क्रूजर एक एक्सपेंसिव साइड वर्थ करती है या फिर आपको विटारा ब्रेजा ही लेनी चाहिए। देखा जाए तो ओवरऑल कंपैरिजन या फिर कंक्लूजन करने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही कार्स में कंक्लूजन के लिए सिर्फ और सिर्फ लुक्स एज वेल एज आपका अपना ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है। बात की जाए टोयोटा अर्बन क्रूजर की, तो अलग दिखने के लिए इन्होंने सामने की तरफ से मिनिएचर फॉर्च्यूनर ग्रिल का यूज किया है एंड थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन फ्रंट बंपर में कर दिए हैं, उसके अलावा बाकी पूरी कार सेम है। बात की जाए अर्बन क्रूजर की, तो इंटीरियर में आप लोगों को 12 टोन इंटीरियर का यूज किया गया है टोयोटा की तरफ से, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है अगर मैं कंपेयर करूं ऑल ब्लैक इंटीरियर्स ऑफ मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। हालांकि डिजाइन लैंग्वेज वही पुराना वाला है, जो कि राइवल्स के कंपटीशन से काफी कोसों दूर डिजाइन लैंग्वेज इनका लगता है। तो अर्बन क्रूजर में आपको इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील नहीं आने वाली, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं विटारा ब्रेजा से, तो एक अप मार्केट फील जरूर आने वाली है। बात की जाए फीचर्स की, तो एक दो छोटे मोटे फीचर्स ही अर्बन क्रूजर में ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे कि ग्लव बॉक्स के अंदर लैंप होना, बाहर बॉडी किट होना, जो कि काफी ज्यादा हम एडजस्ट भी कर सकते हैं इस बात में, जो कि नो डाउट एक काफी अच्छी बात है कि टोयोटा वालों ने कुछ तो चेंजेस लाए हैं, नहीं तो ग्लांजा एंड बलिनो वाला केस हो जाता तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि क्या आप लोगों को कौन सी कार लेनी चाहिए, तो मेरा ओपिनियन रहने वाला है कि जस्ट गो फॉर टोयोटा अर्बन क्रूजर,
क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि टोयोटा अर्बन क्रूजर में आप लोगों को टोयोटा के कुछ स्पेशल एडवांटेजेस देखने मिल जाते हैं। सबसे पहले टोयोटा जैसा ब्रांड जिसकी आफ्टर सेल सर्विस लाजवाब होती है, सुपीरियर आफ्टर सेल सर्विस के साथ साथ आपको रीसेल वैल्यू भी मारुति विटारा ब्रेजा से अच्छी एज वेल एज बेहतर देखने मिलेगी। तो टोयोटा की आफ्टर सेल सर्विस काफी ज्यादा बढ़िया होती है एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी की अरीना सर्विस, जो कि अब काफी ज्यादा बदतर होते जा रही है दिन ब दिन। काफी सारे पैथेटिक केसेस हमने मारुति सुजुकी के खिलाफ सुने हैं, जो कि एक अगर आप 9 से 10 लाख रुपए की कार लेते हैं तो वो अच्छा फील नहीं कराता। टोयोटा अर्बन क्रूजर की बात की जाए तो टोयोटा का सर्विस सेंटर हमेशा से आप लोगों को साइलेंट एज वेल एज काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे, जब भी आप वहाँ पे विजिट करते हैं एज अ कस्टमर के थ्रू। बात की जाए मारुति सुजुकी की तो अरीना पे काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है, जिसके कारण आपको सर्विसिंग का इतना बेहतर एक्सपीरियंस नहीं देखने मिलेगा जितना टोयोटा में देखने मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, टोयोटा की सुपीरियर वारंटी पैकेज। टोयोटा ने अर्बन क्रूजर पे 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर की वारंटी पैकेज ऑफर की है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अर्बन क्रूजर में नहीं, काफी अच्छी वारंटी पैकेज हमने ग्लांजा में भी देखी थी। तो यहाँ पे टोयोटा अपने कस्टमर के थ्रू काफी ज्यादा लॉयल है, अपने कस्टमर्स का पैसा सही जगह इन्वेस्ट कराने के लिए उन्होंने अच्छे बेहतरीन वारंटी पैकेजेस अपने थ्रू दे दिए हैं। फिर मारुति सुजुकी की बात की जाए, चाहे वो ऑल्टो 800 हो चाहे ब्रेजा में, उन्होंने कोई अंतर नहीं समझा, सिर्फ 2 ईयर्स 40,000 किलोमीटर की वारंटी दी है 9 लाख रुपए वाली गाड़ी लेने के लिए किसी कस्टमर को, तो ये एक लॉयल वाली फील नहीं होती। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने चाहिए, जो आफ्टर सेल सर्विस एंड आफ्टर नेटवर्क ऑफ कंपनी एंड रिलेशन बिटवीन कस्टमर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ऐसी कार ले रहे हैं जिसमें फीचर्स भी सेम हो, इंजन भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, बस रीबैजिंग की गई है। तो टोयोटा अर्बन क्रूजर पे 11,000 लगाना बिल्कुल वर्थ है। आप मारुति विटारा ब्रेजा का VXI वेरिएंट छोड़कर टोयोटा अर्बन क्रूजर मिड ग्रेड वेरिएंट की तरफ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को नए लुक्स के साथ साथ एक सुपीरियर एंड फ्रेश लुक देखने मिल जाता है, जो कि विटारा ब्रेजा के ओल्ड इंटीरियर से आपको छुटकारा देखने मिलेगा। एक्सटीरियर में तो विटारा ब्रेजा काफी ज्यादा बढ़िया दिखती है, लेकिन इंटीरियर की बात की जाए तो अभी भी ओल्ड स्कूल इंटीरियर देखने मिल जाते हैं। वहीं टोयोटा अर्बन क्रूजर में आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने मिल जाते हैं, एक अप मार्केट फील देखने मिलेगी। बाहर से भी अगर देखा जाए तो काफी सारे कस्टमाइजेशन के थ्रू ब्रेजा से तो काफी अलग दिखती है अर्बन क्रूजर। वहीं टोयोटा के कुछ वारंटी पैकेजेस एंड टोयोटा के ही कुछ एडवांटेजेस देखने मिल जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दिए हैं। तो एज ऑल थ्रू देखा जाए तो कंक्लूजन में अर्बन क्रूजर के ज्यादा पॉजिटिव गिनाए हैं मैंने, जिसके कारण आप लोगों को अर्बन क्रूजर यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है, क्योंकि सिर्फ 11,000 रुपए के डिफरेंस में अगर आपको इतनी सारी झंझटों का सामना नहीं करना पड़ता तो आप बिल्कुल टोयोटा अर्बन क्रूजर के ऊपर जाइए। तो चलिए, ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद आए जरूर लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल के ऑप्शन पे जरूर क्लिक कर देना। एंड अगर आपको ऐसी कंपैरिजन वीडियोस और देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, हमने काफी सारी SUVs, CUVs एज वेल एज काफी सारी हैचबैक्स का हमने आपके बजट के हिसाब से काफी बढ़िया कंपैरिजन वीडियो बना दिया है। तो आप प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करें एंड काफी सारी वीडियोस देखकर अपने प्राइस पॉइंट को फेस ना होने दें। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, देखते रहिए SV कार पोर्टल। Yeah, best of me, yeah, best of me.